हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का लेक्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, आने वाले हर वीडियो को आप समय पर देख पाएं। बच्चों आइए हम चलते हैं, आज चैप्टर है द्विघात समीकरण, जिसमें हम सेकंड वीडियो बनाया है। इस पे आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे और सोल्यूशन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और रिप्लाई शेयर करना बिल्कुल न भूले। आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है। बच्चों इसमें दिया कि निम्नलिखित के मूल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। हमें इसके मूल निकालना, अर्थात मान निकालना एक्स का। तो बच्चों हम सोल्यूशन निकालेंगे इसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स माइनस का दस बराबर जीरो। आपको मैंने दो ही कंडीशन बताई थी, इसमें कुछ कंडीशन बताई थी, वो कंडीशन आप समझ लेंगे। पहले मैंने कहा प्लस माइनस, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस। कंडीशन क्या है कि बच्चों ये वाले चिन्ह है समीकरण में, आप ध्यान रखना कि जब ये वाले चिन्हों की बात हम कर रहे हैं कि दोनों अगर माइनस होंगे तो दोनों माइनस कहां पर ही है। अगर दोनों माइनस हैं तो हमें क्या करना होगा, घटाना होगा, घटाना। माइनस पहले बाद में प्लस, तो हमें जोड़ना, ठीक है। प्लस और माइनस अगर देखना हो तो घटाना, और कहीं भी प्लस प्लस है तो जोड़ना। दो कंडीशन जोड़ने की होती है बच्चों, जोड़ना है और दो ही क्या करना, घटाने का। ऐसी कंडीशन में जोड़ना और ऐसी कंडीशन में भी जोड़ना, और ऐसी कंडीशन दोनों में क्या करना, घटाना है। तो बच्चों मैं कहूंगा यहाँ पर कि 10 तो क्या है, गुणा करने पर आना चाहिए और घटाने पर 3 आना चाहिए। कहने का मतलब ये वाली कंडीशन बनी हुई है यहाँ पर, तो हम कह रहे हैं घटाना, घटाने पर 3 और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। एक्स से गुणनखंड हमें पता करना है, ज्ञात करना है। बच्चों हम देखेंगे 5 दूनी 10 होते हैं, 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो आप 3 बचेंगे, गुणा करेंगे तो कितने बचते हैं, 10 हो रहे हैं। यहां तक आपको ये क्लियर बात हो रही होगी। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस से 3 को हटाएंगे, इसके साथ 5 माइनस 2 लिखेंगे, अभी तो 3 है, माइनस 10 बराबर 0 के। एक्स स्क्वायर ऐसे एक्स से अंदर गुणा करेंगे तो 5 एक्स माइनस का 2 एक्स, मतलब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एक्स, माइनस 10 बराबर 0 के हो गया। बच्चों यहां से कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन है तो यहां से बच्चा एक्स माइनस का 5, और यहां से कॉमन लेंगे कितना 2, तो यहां से बच्चा एक्स माइनस का 5 बराबर 0। कैसे बचा, हम इस वाले 10 को 5 गुणा 2 ले सकते हैं, तो 2 तो निकलेगा बाहर, ये वाला और ये वाला 5 बचा होगा, ऐसे लिख दिया भाई। जो एक जैसी संख्या होती है हम उसको क्या लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। ऐसे यहाँ पर देखो दो ब्रैकेट एक जैसी हैं, अगर एक जैसी है तो गुणनखंड आपका सही है और नहीं है तो गलत है, ठीक है। तो एक्स प्लस 2 बचा दूसरी ब्रैकेट में, यहाँ से बराबर किसको होगा, 0 के। यदि हम वहां से बात करें एक्स माइनस 5 बराबर भी 0 और एक्स प्लस 2 बराबर भी 0 करें, तो बच्चों यहां से अगर हम फाइनल करें एक्स की वैल्यू 5 बनेगी, और यहां से करें तो एक्स का वैल्यू माइनस का 2 बनेगा। हमने कहा था जितनी घात की समीकरण होगी उसको उतने ही मान होंगे, तो द्विघात समीकरण थी इसमें 2 मान, एक प्लस में और एक माइनस में। बच्चों यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, यही क्या है, इसके मूल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहा गया है इसमें कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4 रूट 2 एक्स प्लस 6 बराबर 0 है, तो हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4 रूट 2 बराबर एक्स प्लस का 6 बराबर 0 के। ऐसे गुणनखंड करना है। अब यहाँ पर चिन्ह दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या प्लस, इसका मतलब क्या है, जोड़ना है मुझे और गुणा करेंगे। गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने पर हमारा 4 रूट 2 आना चाहिए। कहने का मतलब इसका ये आ रहा है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन को, तो यहाँ फाइनल कितना बनेगा ये चीज हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहां से देख के ये बना आपका 6 और ये आपका 4 रूट 3। अगर मैं इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा कर लेता हूं कि 3 रूट 2 और रूट 2, तो आप गुणा करेंगे इससे कितने बनेगा, 6 बनेगा। यदि 3 रूट 2 और प्लस आप रूट 2 को जोड़ेंगे तो बच्चों कितना बनेगा, 6 बनेगा। कहने का मतलब उसका यही तो है कि गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर आपका 4 रूट 2 आना चाहिए। भाई 3 और इसके आगे 1 होगा तो वो जोड़ लिया, 4 रूट 2 बना। यही बात हमसे उसने कही है कि ये बात हमें प्राप्त करनी है और इसका सोल्यूशन भी ज्ञात करना है। तो मैं इसको आपको ये बात समझ में आई होगी यहाँ तक। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसके इसको हटाते हैं और इसके स्थान पर लिखे 3 रूट 2 और प्लस कितना, रूट 2 एक्स और प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ऐसे रहने देंगे बच्चों, इससे अंदर गुणा करेंगे तो बनेगा 3 रूट 2 एक्स, और माइनस प्लस माइनस होता है रूट 2 एक्स, क्योंकि ये वाला एक्स से गुणा करेगा, प्लस का 6 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां से कॉमन लेंगे तो एक्स, और यहां से बच्चा एक्स माइनस का 3 रूट 2, और यहां से माइनस का रूट 2 कॉमन लेंगे बच्चों, तो यहां से एक्स माइनस का 3 रूट 2 बचेगा। बच्चों यहां से अब बात समझ में आपको आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आप करके दिखाया था। इस 6 को ले सकता हूं मैं रूट 3 रूट 2
और गुणा रूट टू, ठीक है। तो वहां से रूट तीन रूट टू जो हमारा कॉमन, मतलब ये रूट टू कॉमन निकाला होगा तो ये बचा होगा। ये वाली प्रैक्टिक जैसी होगी इसका मतलब हमारा यहाँ तक सोलह समय को ठीक है, इसे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है बराबर। और दूसरा बचा कितना यहां से एक्स और माइनस का रूट टू बराबर इसका हो गया जीरो। दोनों को हम क्या करेंगे जीरो के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पर तीन रूट टू बराबर जीरो और यहाँ पर एक्स माइनस रूट टू बराबर जीरो के। बच्चों यहां से अगर हम बात करें तो x की वैल्यू तीन रूट टू बची और यहां से x की वैल्यू रूट टू बची। यही क्या हो गया इसका सॉल्यूशन हो गया। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सॉल्यूशन समझ में जरूर आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 36 बराबर जीरो के। हमें ये क्वेश्चन दिया है, हमें इसका एक्स की वैल्यूज निकालनी है अर्थात मूल प्राप्त करने हैं। तो हम फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे इसके। क्वेश्चन में जो तीसरा पार्ट दे रखा है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस का 13x और प्लस का 36 दिया है। बच्चों यहाँ पर गुणा करेंगे तो 36 आए, जोड़ा तो 13 आए, तो 36 की गुणा करने बता रहे हैं, ऐसे जोड़ने पर बताया। तो 9 चौक कितने होते हैं 36 होते हैं और 9 चार कितने होते हैं 13 होते हैं। तो फैक्टर आराम से हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 13 के स्थान पर हम लिखेंगे 9 और प्लस का 4, ठीक है। एक्स और प्लस का 36 बराबर किसको हो जाएगा जीरो के। एक्स स्क्वायर प्लस का स्क्वायर अंदर गुणा करेंगे तो 9x और प्लस का 4x हो जाएगा और प्लस का 36 बराबर जीरो के हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं। कॉमन यहां से लेंगे तो x और बाहर x प्लस कितना बचा 9 और यहां से अगर कॉमन लेंगे 4, 4 कॉमन लेंगे क्यों, क्योंकि 36 को हम ले सकते हैं 4 × 9, तो 4 यहां पर भी होगा 4 यहां पर भी, इसलिए 4 कॉमन निकलेगा। x प्लस का 9 बचा बराबर जीरो के। बच्चों ये वाली ब्रैकेट एक जैसी ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉमन लिया x प्लस 9 तो बचा क्या x प्लस 4, x प्लस 4 बराबर किसके जीरो के। बच्चों प्रत्येक को जीरो के इक्वल रखेंगे, x प्लस का 9 बराबर जीरो होगा और x बराबर कितना हो गया माइनस के 9, x प्लस 4 बराबर जीरो तो यहाँ पर x की वैल्यू बची माइनस की 4। बच्चों यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। मैं उम्मीद करूंगा आपको उसका सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कहा गया है कि रूट एक्स रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 5 रूट टू बराबर जीरो के है। तो यहाँ पर हमें मूल प्राप्त करने हैं, इसके मूल ज्ञात करने हैं। चलो फोर क्वेश्चन को देखो, चौथा फोर क्वेश्चन दे रखा है कि रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 रूट टू बराबर जीरो के। तो रूट टू एक्स स्क्वायर और प्लस का 7x प्लस का 5 रूट टू दे रहा बराबर जीरो के। बच्चों यहां पर क्या करना है कि इस रूट की इस वाले से गुणा कराओ पहले, तो गुणा कराएंगे तो रूट टू क्या हो जाएगा 2 बचेगा, 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो 5 दूनी 10 हो गए सीधी सी बात है, और 5 और 2 कितने हो गए 7 हो गए। तो आप इसको रख देंगे 2x स्क्वायर प्लस का 5x कर देंगे और 2x कर देंगे, जोड़ने पर 7 बनेंगे प्लस 5 रूट टू बराबर जीरो, ठीक है। यहां से हम कॉमन लेंगे कितना x, तो x कॉमन है तो रूट टू एक्स बचा और प्लस का 5 बचा। यहां से कॉमन कितना है, यहां से भी 2 रूट कॉमन, तो यहां से बचा कितना रूट टू एक्स और प्लस का रूट 5, नहीं ओनली 5 बराबर जीरो। कैसे हुआ बच्चों, यहाँ पर 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं रूट टू गुणा रूट टू और यहाँ पर रूट टू, हाँ रूट टू एक कॉमन लिया तो एक बचा होगा। अब ये वाली ब्रैकेट एक जैसे होगी, कॉमन ले लेंगे यहाँ से रूट टू एक्स प्लस का 5 और दूसरा यहाँ से बचा एक्स प्लस का रूट टू बराबर जीरो के। अब इन दोनों को प्रत्येक को हम क्या करेंगे एक्स के बराबर रखेंगे, जीरो बराबर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो माइनस का यहाँ से 5 हुआ और एक्स की वैल्यू को अगर बात करें तो माइनस का 5 बटा रूट टू बचा। यहाँ से एक्स प्लस का रूट टू बराबर जीरो के हो गया और x की बात अगर हम करें तो माइनस का रूट टू हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। यदि आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे ट्विटर पर फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जय।